चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। इन द इलेवेंथ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, इट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही 1669 की, 1669 की। इन द इलेवेंथ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, औरंगजेब टू का नंबर ऑफ मीजर्स विच हैव बीन कॉल्ड प्यूरिटेनिकल बट मैनी ऑफ विच वर रियली ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टर्स एंड अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में, इट मीन्स 1669 में, कई सारे उपाय करने की कोशिश की, कई सारे उपाय किए जिन्हें धार्मिक रूप से प्यूरिटेनिकल, इट मीन्स एक कठोर कानून या कठोर निर्णय कहा गया है ना, जिसे धार्मिक रूप से कठोर नियम कहा गया है। बट कई इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से कई सारे जो नियम थे उनका धा उनका उनका जो है सामाजिक और आर्थिक महत्व था। क्लियर? तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन द इलेवेंथ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड इन 1669, औरंगजेब टू का नंबर ऑफ मीजर्स, औरंगजेब टू का नंबर ऑफ मीजर्स विच हैव बीन कॉल्ड प्यूरिटेनिकल बट मैनी ऑफ विच वर रियली ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टर एंड अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ। जैसा कि हमें विश्वास है कि औरंगजेब की जैसी हमारे दिमाग में छवि है, तो हम ये मानते हैं कि जो उन्होंने उपाय किए हैं वो धार्मिक रूप से कड़े हैं। लेकिन इतिहासकारों ने जब उसे डीप में समझने की कोशिश की, तो उनका मानना था कि ये एक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक महत्व के नियम भी थे। अब देखते हैं क्या किया इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट, हालांकि हमने डिस्कस किया है, फिर भी एक बार देखते हैं। ही फॉरबेड सिंगिंग इन कोर्ट, है ना। तो जैसे कि हमने देखा एम्पायर में, तो इन्होंने गेम्बलिंग और जो बाइन वगैरह है ना, लिकर्स हैं, इंटॉक्सिकेंट्स हैं, और इन सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई थी साम्राज्य में, है ना। बट यहाँ पे कोर्ट में, दरबार में भी, ही फॉरबेड सिंगिंग इन कोर्ट, दरबार में इन्होंने संगीत के ऊपर रोक लगा दी कोर्ट में। एंड द ऑफिशियल म्यूजिशियंस वर पेंशन्ड ऑफ, और जो आधिकारिक म्यूजिशियंस थे, आधिकारिक जो संगीतज्ञ थे, उनकी पेंशन को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। अब इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, देखिए, एक तो ये था कि इन्हें एक भारी रकम दी जाती थी, उस रकम से फ्री हो गए। दूसरा, इनके कारण जब म्यूजिकल प्रोग्राम यूज किए जाते थे, ऑर्गेनाइज किए जाते थे दरबार में, तो डिस्टरबेंस होता था, लोग अपने काम ठीक से नहीं कर पाते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इस कारण से इन्होंने, ये जो म्यूजिशियंस थे, इन्हें फ्री कर दिया, इन्हें छुट्टी कर दी, इन्हें पेंशन देना बंद कर दिया। क्लियर? ये एक बात हो गई। लेकिन यहीं पर इन्होंने कुछ म्यूजिशियंस को उनकी उनके काम को कंटिन्यू रखा, जैसे कि बट सिंगिंग कंटिन्यू टू बी पेट्रोनाइज्ड बाई लेडीज इन द हरम। तो ये बात मैं बता चुका हूँ, एक बार डबल से मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन हरम में जो संगीत चलता था, हरम के लिए जो संगीत पेट्रोनाइज था, संरक्षित था, वो कंटिन्यू रखा गया है ना। हरम में संगीत जो फीमेल्स वगैरह हैं उनके लिए कंटिन्यू रहेगा संगीत या म्यूजिक। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, औरंगजेब हिमसेल्फ वॉज, है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन्होंने इन लोगों को पोस्ट से तो रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अपोजिट चीजें देखने को मिलती है कि औरंगजेब हिमसेल्फ वॉज प्रोफिशियंट इन प्लेइंग बीना। औरंगजेब खुद भी बीना बजाने में काफी अच्छा था या काफी उस प्रोफिशिएंट था। तो यहां से क्वेश्चन एक बन जाता, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मुगल बादशाह, कौन सा मुगल बादशाह बीना बजाने में या बीना यूज करने में काफी प्रोफिशिएंट था, काफी स्किलफुल था। तो आंसर क्या, या किसे बीना बजाने का शौक था, किस मुगल शासक को बीना बजाने का शौक था। एंशियंट हिस्ट्री में तो हमने डिस्कस किया है, जैसे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त बीना बजाने का शौकीन था क्योंकि उसने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र बनवाए थे। यहाँ पर औरंगजेब के बारे में ये बात आती है कि औरंगजेब काफी प्रोफिशिएंट था बीना वादन से, बीना वादन में, है ना। एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इट इज ऑफ सम इंटरेस्ट टू नोट दैट अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सियन वर्क ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक वर रिटन इन औरंगजेब श्राइन। एंड तो यहाँ पे ये बहुत बात और भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि इनके समय पर ही या इनके शासनकाल पर ही भारतीय संगीत के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में फारसी जो लिटरेचर था, फारसी जो बुक्स थी, वो क्या की गई थी, लिखी गई थी। क्लियर? तो काफी पर्शियन वर्क हुआ था, काफी फारसी कार्य हुआ था,
इंडियन म्यूजिकल या हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर इनके शासनकाल में, इंडियन म्यूजिक के ऊपर, क्लियर। तो ये थोड़ी सी और अलग चीज आ जाती है निकलकर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी, झरोखा दर्शन की जो प्रैक्टिस थी, उसे भी क्या करवा दिया है, उसे भी बंद करवा दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाता है कि झरोखा दर्शन की जो प्रैक्टिस थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो आयोजन किया जाता था, उसे बंद करवा दिया। अभी झरोखा दर्शन की बात करें ना, इट वॉज स्टार्टेड बाई औरंगजेब, सॉरी इट वॉज स्टार्टेड बाई अकबर। इसे किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने। और ये एक हिंदू परंपरा थी, वैसे तो ये एंशियंट पीरियड में भी चला करती थी, गुप्त पीरियड से के समय से झरोखा दर्शन चला करता था, जिसमें राजा लोग जो है लोगों से, जनता से मिलते थे कोई बालकनी या विंडो के पास आकर, ना तो एक प्रकार का दरबार टाइप में हुआ करता था, जिसमें जनता या पब्लिक से वो मिलते थे, उनके दुखों को सुनते थे और उनका साथ ही सॉल्यूशन भी करते थे। बाद में राजपूत रूलर्स के, राजपूत जो शासक थे उनके बीच में या उनके समय, उनके एम्पायर में ये जो प्रैक्टिस थी काफी चला करती थी राजपूतों में, क्लियर। तो जब एक बार अकबर भारमल के पास गए थे, या भारमल के साथ जब उनकी ट्रीटी हुई थी, हमें पता है 1562 में, तो भारमल के यहाँ पे उन्होंने जब झरोखा दर्शन का जो प्रैक्टिस थी जब वो देखी, तब उन्होंने इस चीज को क्या किया, एडॉप्ट किया, और उन्होंने भी झरोखा दर्शन की जो प्रैक्टिस थी उसे कंटिन्यू किया, क्लियर। बट चूंकि ये एक हिंदू प्रैक्टिस है, ये कैसी प्रैक्टिस है, हिंदू प्रैक्टिस है, और चूंकि शरीयत के अनुसार इस तरह से चीजें किया जाना वैध नहीं है, इसलिए औरंगजेब ने झरोखा दर्शन प्रैक्टिस को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। एक बार और सुन लीजिए, औरंगजेब डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन और शोइंग हिमसेल्फ टू द पब्लिक फ्रॉम द बालकनी सिंस ही कंसिडर्ड इट इज अ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस एंड अगेंस्ट इस्लाम, क्लियर। तो इस्लाम के अगेंस्ट थी और ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी, दैट्स व्हाई ही फॉरबिड दिस प्रैक्टिस ऑल्सो। तो देख लेना आप लोग औरंगजेब के टाइम पर कितनी सारी चीजें हुई हैं, और अभी तो और भी कई सारी, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलियरली ही फॉरबिड द तुलादान सिस्टम। अब तुलादान सिस्टम भी हिंदू सिस्टम या हिंदू प्रैक्टिस ही थी, और तुलादान सिस्टम को भी इन्होंने क्या करवा दिया, रिस्ट्रिक्ट करवा दिया, या इसे भी बंद करवा दिया, डिसकंटिन्यू करवा दिया। देखिए तुलादान सिस्टम की बात की जाए ना, तो इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाई अकबर। अकबर के जमाने की दो प्रैक्टिस, एक तुलादान सिस्टम और दूसरी झरोखा दर्शन, इन दोनों प्रैक्टिस को बंद करवाने का काम औरंगजेब ने किया था। अच्छा, इसके पहले बलबन के जमाने की जो दो प्रथाएं थी, कौन कौन सी, एक तो सजदा और पेबोस और नोरोज। हालांकि सजदा पेबोस पे रोक तो और शाहजहां ने ही लगा दी थी, इन्होंने नोरोज को भी बंद करवा दिया था, और अगर कहीं सजदा पेबोस चलता था तो उसे भी बंद करवा दिया था, क्लियर, सजदा एंड पेबोस। अब यहाँ पे इन्होंने ये बंद करवा दी है, कौन सी प्रैक्टिस, दैट वॉज नोन एज तुलादान प्रैक्टिस और तुलादान सिस्टम, तुलादान वाली जो प्रैक्टिस थी उसे भी इन्होंने बंद करवा दिया। ध्यान रखिए, सिमिलियरली ही फॉरबेड द सेरेमनी ऑफ बेइंग द इंपीरियर, क्लियर। अब इसको क्यों बंद करवाया, इसको ध्यान से समझते हैं, अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर आर्टिकल्स ऑन हिज बर्थडे। तो ये क्या होता था कि जब जन्मदिन आता था तो राजा को सोने चांदी और कुछ ऐसे बेशकीमती चीजों से तोला जाता था, और तोलने के बाद उन सभी बेशकीमती चीजों को प्रजा में या पब्लिक में डोनेट कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था, दान कर दिया जाता था, इस प्रकार की प्रैक्टिस थी। अब दिस प्रैक्टिस विच वॉज एप्रियंटली स्टार्टेड ड्यूरिंग अकबर्स रूल हैड बिकम वाइड स्प्रेड एंड वॉज अ बर्डन ऑन द स्मॉलर नॉवेल्स। तो ये जो प्रैक्टिस थी अकबर के टाइम पे शुरू हुई थी और अब जो है इस टाइम तक काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड, काफी ज्यादा विस्तृत रूप से फैल चुकी थी, काफी प्रैक्टिस में आ गई थी। अब इससे प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटे मोटे अधिकारी थे अलग अलग प्रांतों के, उनके ऊपर काफी बर्डन आ जाता था, उन्हें क्योंकि लाना पड़ता था प्रीशियस चीजों को, जैसे सोना चांदी या जो भी है उन्हें लेकर आना है तुलवाने के लिए, राजा को तुलवाने के लिए, तो उनके ऊपर काफी बर्डन आ गया था, क्लियर। इसीलिए इस बर्डन को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रैक्टिस को ही क्या कर दिया, बंद करवा दिया, है ना। बट जब इनके पुत्र बीमार हुए, है ना, किनके पुत्र, जब औरंगजेब के पुत्र बीमार हुए, तो इस कारण से, इस मजबूरी में उनके बार बार आर्ग्यू करने पर इन्होंने इस सिस्टम को कुछ कुछ जगहों पर प्रैक्टिस में लेकर भी आए, है ना, जब उन्हें उन्हें मजबूर किया गया उनके पुत्रों के द्वारा, तब।
हालांकि वाइटली जो है इसे बंद करवा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही फॉरबेड एस्ट्रोलॉजर्स टू प्रिपेयर पंचांग। तो जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी लोग जो पंचांग बनाते हैं, उनके ऊपर पंचांग बनाने पर भी क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, औरंगजेब ने ज्योतिषियों के द्वारा लोगों के पंचांग बनाने पर रोक लगा दी, क्योंकि उससे क्या होता है कि अब भविष्य में क्या होने वाला है वो बताते हैं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस को भी इन्होंने रोक लगा दिया है, क्योंकि ये भी जो है अगेंस्ट है किसके, ये भी अगेंस्ट है किसके, शरीयत के। तो शरीयत के अगेंस्ट है, इसलिए इन्होंने इस प्रैक्टिस को भी बंद करवा दिया। अब आगे देखते हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट दो पॉइंट और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद फिर कुछ और मेजर्स जो उन्होंने थोड़ा सा लेट किए थे। ये तो 11th ईयर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम ईयर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये बिना ईयर के हमको समझना है, जिसमें कोई ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसे ही समझना जैसे कि सबसे पहले हमने इन मीजर्स या इन उपायों की बात की है। 11th ईयर में म्यूजिशियंस को बैन कर दिया, बंद करवा दिया है अपने दरबार से, और उनकी पेंशन को ऑफ कर दिया है ना, बट ये कंटिन्यू रहेगा लेडीज हरम में। औरंगजेब खुद भी एक अच्छा वीणा वादन किया करता था। इन्होंने बंद करवा दी ये प्रैक्टिस झरोका दर्शन, क्योंकि हिंदू प्रैक्टिस थी, अगेंस्ट इस्लाम थी। और सिमिलरली इन्होंने बंद करा दिया तुलादान सिस्टम, क्योंकि इससे काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस होता था, बर्डन होता था स्मॉलर नॉवेल्स के ऊपर। साथ ही इन्होंने बंद करवा दी है ज्योतिषियों के द्वारा जो पंचांग बनाने की प्रैक्टिस थी, क्योंकि वो भी अगेंस्ट इस्लाम था। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप लोग ये समझें कि ये इस्लाम धर्म में ज़्यादा आस्था रखते हैं, और इस्लाम धर्म की परंपराओं को ही स्टार्ट करेंगे, जो जो रूल्स शरीयत में उन्हीं को फॉलो करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो हिंदू धर्म के या दूसरे धर्म के लोग हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अब यहाँ पे और इस बात को किस तरह से प्रूव करते हैं हम, इस किस तरह से हम इस बात पर और बल देते हैं, वो उसका एग्जांपल अगला मैं बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम व्यापारी थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर टैक्स में उन्हें छूट दे दी है ना, उनके ऊपर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, उन्हें व्यापार करने के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और हिंदू जो व्यापारी हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, है ना। देखिए उस टाइम पर क्या था कि ये उन्हीं टैक्स को अप्लाई करते थे जो शरीयत में लिखे थे, बाकी सारे टैक्स हटा दिए थे, टैक्स उतने ही होते थे जो शरीयत में लिखे थे, तो शरीयत के हिसाब से ही सब चला करता था। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं पर टैक्स नहीं लगाया, किस पर टैक्स लगाया, मुस्लिम्स पर टैक्स नहीं लगाया, हिंदुओं पर लगाया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इस बात का, इस अधिकार का मिसयूज कर रहे हैं, और अपने हिंदू व्यापारियों के प्रोडक्ट्स को, उनके गुड्स को भी अपना बताकर उसे भी बिना टैक्स दिए निकाल रहे हैं, जब इस बात का पता चला औरंगजेब को तो काफ़ी दुख हुआ, और उन्होंने फिर मुस्लिम्स के ऊपर भी टैक्स को इम्पोज किया। बट मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो हिंदुओं के टैक्स का आधा था। हिंदुओं पर जैसे 10 रुपये टैक्स लग रहा है, तो मुस्लिम्स पर 5 रुपये टैक्स लगता था मुस्लिम व्यापारियों पर। इस एग्जांपल से आप लोगों को साफ साफ दिखता है कि रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेशन किया गया था औरंगजेब के द्वारा, हिंदू मुस्लिम में फ़र्क किया गया था, है ना, यानी पॉलिटिकली उसने रिलीजियन को पूरी तरह से लेकर आया था। देखिए यहाँ पे एक बार मैं पढ़ देता हूँ, टू प्रमोट ट्रेड अमॉन्ग द मुस्लिम वो डिपेंडेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द स्टेट सपोर्ट। तो इन्होंने उन मुस्लिम ट्रेडर्स को सपोर्ट किया है जो पूरी तरह से स्टेट या राज्य पर निर्भर थे। औरंगजेब एट द फर्स्ट लार्जली एग्जेम्प्ट मुस्लिम ट्रेडर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सेल्स। तो इन्होंने पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया है मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगता है, जो सीमा शुल्क लगता है वो। बट ही सून फाउंड दैट द मुस्लिम ट्रेडर्स वर एब्यूजिंग इट, इवन पासिंग ऑफ द गुड्स ऑफ हिंदू मर्चेंट्स एज देयर ओन टू चीट द स्टेट। लेकिन जब उन्होंने पाया कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं ये हिंदुओं के प्रोडक्ट्स को, हिंदुओं के गुड्स को निकाल रहे हैं अपना बताकर, ये एक प्रकार की चीट थी, एक प्रकार का धोखा था स्टेट के साथ या राज्य के साथ, देन इस बात से काफ़ी दुखी हुआ औरंगजेब। एंड औरंगजेब री इम्पोज द सेल्स फॉर मुस्लिम ट्रेडर्स बट कीप्ड इट एट हाफ ऑफ वॉट वॉज चार्ज फ्रॉम द अदर्स। लेकिन ये आधा ही लगाया गया उन पर, जो हिंदुओं पर लगाया गया था उससे आधा था, ये एक डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक पोस्ट होती थी जो एक प्रकार की फाइनेंशियल पोस्ट थी, फाइनेंशियल ऑफिसर्स की पोस्ट थी, जिन्हें कहा जाता था पेशकार और किरोड़ी। तो पेशकार और किरोड़ी की जो पोस्ट थी उस पर भी इन्होंने मुस्लिम्स को रिजर्व करना शुरू कर दिया, मुस्लिम्स को ही अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। बट बाद में इन्हें ये लगा कि मुस्लिम्स उतने कैपेबल नहीं है, मुस्लिम्स उतने
क्वालिफाइड नहीं है, देन उन्होंने मुस्लिम्स की जगह हिंदुओं को अपॉइंट करना भी स्टार्ट किया। क्लियर? तो एक बार और पढ़ देता हूँ। सिमिलरली ही ट्राइड टू रिजर्व द पोस्ट ऑफ फेस्कार एंड किरोड़ी, क्लियर, फॉर मुस्लिम्स, बट सून हैड टू मॉडिफाई इट इन द फेस ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द नोबल्स एंड लैक ऑफ क्वालिफाइड मुस्लिम्स, क्योंकि इन्हीं के अधिकारियों ने इन्हें इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और चूंकि मुस्लिम उतने क्वालिफाइड नहीं थे, दैट्स वाई इस प्रैक्टिस को, इस नियम को भी इन्हें वापस लेना पड़ा था। क्लियर? तो यहां तक की चीजें मैंने बताई कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और आगे इनके टाइम पर क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ पे और क्या मेजर्स किए गए हैं औरंगजेब के द्वारा। तो सम अदर मेजर्स ऑफ औरंगजेब विच मे बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी एंड सो अ सेंस ऑफ बाइगोट्री टूवर्ड्स पीपल ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कुछ और ऐसे इन्होंने उपाय किए हैं औरंगजेब ने, जो इस बात को दर्शाते हैं कि औरंगजेब दूसरे धर्म के प्रति काफी कट्टर था और उनके साथ भिन्नता या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। क्लियर? मीजर्स ऑफ औरंगजेब विच मे बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। क्लियर? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब जो भेदभाव करता है। एंड सो अ सेंस ऑफ बाइगोट्री, यानी कि धार्मिक कट्टरता दिखाता है। बाइगोट्री का मीन्स धार्मिक रूप से कट्टर है। टूवर्ड्स पीपल ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति, जो दूसरा प्रोफेशन है रिलीजियसली, उनके प्रति इनकी जो एक्टिविटी थी काफ़ी कट्टर थी और काफ़ी डिफ्रेंशिएट करने वाली थी। इसके एग्जाम्पल्स हमें कैसे दिखते हैं, तो दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोग, दो या तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली है टेम्पल्स के प्रति इनका जो एटीट्यूड था वो। क्लियर? टेम्पल्स के प्रति इनकी जो एटीट्यूड था ना, वो था किसके अकॉर्डिंग था, वो था पूरी तरह शरीयत के अकॉर्डिंग। अब शरीयत के अकॉर्डिंग ही इन्होंने टेम्पल्स के प्रति अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। अब शरीयत में अगर इस तरह से बातें लिखी हैं कि जो ओल्ड टेम्पल्स हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, उनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, वो जैसे हैं वैसे रहें। क्लियर? और नए टेम्पल्स भी बनना नहीं चाहिए, नए टेम्पल्स बनने पर भी रोक लगा दी गई। क्लियर? तो यहां पे जो स्ट्रेटेजी थी वो थी किसके अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग, जो क्या बोलती है कि नए टेम्पल्स बनने पे पूरी तरह रोक रहेगी, है ना। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात तो नहीं लिखी है, वो तो इन्होंने अपने हिसाब से चलाई। और दूसरी बात यह कि नए टेम्पल्स नहीं बनाना है, पुराने जो पूजा के स्थान है, पुराने जो टेम्पल्स हैं, उनका आपको रिनोवेशन नहीं करना है, वो जिस स्थिति में है वैसी स्थिति में ही रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे तो टेम्पल्स के प्रति जो स्ट्रेटेजी थी उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक को, औरंगजेब का एटीट्यूड टूवर्ड टेम्पल्स। तो पहला पॉइंट, ये तो टेम्पल्स वाला पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है जजिया। जजिया इन्होंने क्या किया, रीइम्पोज किया। इसके अलावा और भी कुछ टैक्स थे जो इन्होंने क्या किए थे, रीइम्पोज किए थे। क्लियर? इस तरह के मैं अब आपको एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेम्पल्स की। एट द आउटसेट ऑफ हिज राइन, औरंगजेब रिट्रेटेड द पोजिशन ऑफ सरिया रिगार्डिंग टेम्पल्स चर्चेस एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरह किससे रिलेटेड है, किस पर आधारित है, सरिया पर आधारित है। दैट लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल्स शुड नॉट बी डिमोलाइज्ड, यानी कि जो पुराने मंदिर है उन्हें डिमोलाइज भी नहीं किया जाना चाहिए और उनका रिनोवेशन भी नहीं किया जाना चाहिए। बट नो न्यू टेम्पल्स अलाउड टू बी बिल्ट, और साथ ही नए मंदिर बनने पर भी रोक रहेगी। क्लियर? फर्दर ओल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप कुड नॉट बी रिपेयर्ड, है ना, वही बात यहाँ पे बताई गई। सिंस बिल्डिंग्स कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी लंबे समय तक या हमेशा के लिए ऐसी बिल्डिंग्स भी नहीं होना चाहिए जो हमेशा के लिए बनी रहे। तो ये पूरी तरह से सरिया के रूल्स पर आधारित था। दिस पोजिशन इज क्लियरली स्पेल्ट आउट अ नंबर ऑफ एक्सटेंट फार्मर्स द इशू टू ब्राह्मण्स ऑफ बनारस एंड वृंदावन एक्सेट्रा। देखिए यहाँ तक की तो बात हमें मंदिर वाली बात जो हमें समझ में आना चाहिए, मंदिर वाली बात पे हमें फोकस करना है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे। औरंगजेब जब गवर्नर थे गुजरात के, क्योंकि मैंने बताया औरंगजेब कहाँ कहाँ के गवर्नर थे, 1637 में उन्हें दक्कन का गवर्नर बनाया गया था, देन गुजरात ट्रांसफर हुआ था। इसके अलावा बल्ख, सिंध, है ना, इन दैट रीजन में भी उन्होंने उन रीजन्स में भी उन्होंने गवर्नरशिप की थी। तो औरंगजेब एज अ गवर्नर ऑफ गुजरात ऑर्डर्ड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इन गुजरात बी डिस्ट्रॉयड
विच ऑफन मीन्ट मेयरली ब्रेकिंग द इमेज एंड क्लोजिंग डाउन द टेम्पल्स एट द आउटसेट ऑफ हिज रेंज. औरंगजेब फाउंड दैट इमेजेस इन दिस टेम्पल्स हैड बीन रिस्टोर्ड एंड आइडल वर्शिप हैड बीन रिज्यूम्ड. औरंगजेब क्लियर. तो यहाँ पे इतनी बात समझे कि जब ये गुजरात के गवर्नर थे ना, और जब गुजरात के ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे, दैट टाइम इन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती है, आइडल वर्शिप की जाती है, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. क्लियर. तो इन्होंने ऑर्डर दिया था जब ये गुजरात के गवर्नर थे सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का. तो उस टाइम पर सारे मंदिर डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए. बट जब इन्हें खबर मिली कि गुजरात में जो टेम्पल्स हैं उनका पुनः निर्माण होना शुरू हो गया है, फिर उन्होंने अगेन इशू किया एक ऑर्डर इन 1665 1665 में, और गुजरात के मंदिरों को पुनः डिस्ट्रक्शन या पुनः उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया. देखिए तीन मंदिर के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो गुजरात का सबसे फेमस मंदिर सोमनाथ मंदिर, और दूसरा विश्वनाथ टेम्पल जो बनारस में, और तीसरा है केशवराय टेम्पल जो मथुरा में. इन तीन मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया था औरंगजेब ने. हालांकि किए तो कई सारे थे, जैसे उड़ीसा में कई सारे मंदिर बनाए गए थे पिछले 10 वर्षों से, जिस टाइम की हम बात करें उससे पिछले के 10 वर्षों में उन मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया था औरंगजेब ने. क्लियर. और भी कई टेम्पल्स हैं जो डिस्ट्रॉय किए थे, बट तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो क्या बोल रहा हूँ, जब गुजरात का गवर्नर था तब तो ऑर्डर दिया ही था कि गुजरात में मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाए दैट टाइम. बट जब उसे खबर मिली कि यहाँ पे पुनः आइडल वर्शिप की जाने लगी है, तब उसने पुनः एक और ऑर्डर दिया. ही ऑर्डर्ड अगेन इन 1665 दैट दीज टेम्पल्स बी डिस्ट्रॉयड, द फेमस टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ विच ही डिस्ट्रॉयड टू बी डिस्ट्रॉयड अर्लियर इन हिज रेंज वॉज एपरियंटली वन ऑफ द फेमस हिंदू टेम्पल. तो इन 1665, पूरी लाइन की जगह बस इतना समझे, इन 1665 ही ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ऑर्डर टू डिमोलाइज द सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात के अनिलवाड़ा में है, और ये काफी फेमस शंकर भगवान का मंदिर है. इस मंदिर को लगभग 17 बार डिस्ट्रॉय किया गया है. कितनी बार तोड़ा गया था, 17 टाइम्स इस मंदिर को, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था फॉरेनर्स के जरिए. गजनी के टाइम पर इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था. आप लोगों ने पढ़ा है गजनी ने जब अपना सोमनाथ एक्सपेडिशन किया था इन 1025 में, तो वो उसका 16वां आक्रमण था, और उस टाइम पर उसने भीम फर्स्ट जो वहां के रूलर थे उस टाइम पर इसने इन्वेजन किया था, अटैक किया था, और भीम फर्स्ट ने किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं किया था, है ना, वो फर्स्ट था. देन फिर इस टेम्पल को 17 बार प्लंडर किया गया, लूटा गया और डिस्ट्रॉय किया गया. और 18वीं बार जब इसका, है ना, तो तोड़ा गया था तो बनाया भी गया था फिर वापस. भीम फर्स्ट ने पहली बार फिर उसे रिकंस्ट्रक्टेड भी करवा दिया था. 18 टाइम इसे, इस मंदिर को निर्माण कराया था हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए इसे पुनः रिकंस्ट्रक्टेड कराया गया था, इस टेम्पल को, इस मंदिर को. क्लियर. तो ध्यान रखिएगा. और फिर इस टेम्पल का उन्होंने रिनोवेशन भी कराया, और उसका फिर जब ये शुभारंभ हुआ तब भी इन्होंने इसका शुभारंभ भी कराया था. चलिए आगे चलते हैं. इन 1665 वाली बात हो गई, किस टेम्पल की बात हो गई, यहाँ पे बात हो गई सोमनाथ टेम्पल की, है ना. अब आगे बढ़ते हैं और आगे का डिस्कशन करते हैं. देखिए यहाँ पे औरंगजेब ने ये सुनी खबर, औरंगजेब को ये खबर मिली कि हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं बनारस में और मथुरा में जो टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिंदू तो आते ही हैं, और मुस्लिम्स भी आते हैं दूर दूर से हिंदू मुस्लिम्स आते हैं और वहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं. जब ये खबर औरंगजेब को मिली, औरंगजेब फाउंड दैट इमेज इन दीज टेम्पल्स हैड बीन रिस्टोर्ड एंड आइडल वर्शिप है. अच्छा, तो यहाँ पे क्या बात मैं बता रहा हूँ कि जब उसे खबर मिली, He took strict action when he learned it in 1669 जब उसे पता चला that in some of the temples in Thatta, Multan and especially at Banaras, both Hindus and Muslims used to come from great distances to learn from Brahmins. तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं ब्राह्मणों से शिक्षा हासिल करने के लिए, क्लियर, धार्मिक ज्ञान लेने के लिए. जब ये खबर औरंगजेब को मिली तब उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. औरंगजेब इशूड एन ऑर्डर द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस टू पुट डाउन सच प्रैक्टिसेस एंड टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स वेयर सच प्रैक्टिस टुक प्लेस. तो यहाँ पे इन 1669, ये वाला ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कौन सा, 1669, है ना, ये तो एक टेम्पल की बात हो गई. इन 1669 में
इन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया था हर प्रोविंस के गवर्नर को कि अब आपके प्रोविंस में जो टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 1669 ही ऑर्डर्ड टू ऑल द गवर्नर ऑफ हिज प्रोविंसेस टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स क्लियर इन हिज या इन देयर प्रोविंस। तो उनके राज्यों में जितने भी मंदिर है ना उन सब मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर इशू कर दिया था 1669 में। समझ गए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्योंकि इसे खबर मिली क्योंकि ये तो हिंदू राज्य की जगह इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था है ना मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था मुस्लिम धर्म का ही वो जो है प्रमोशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ जब ये खबर मिली कि इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है हिंदू मुस्लिम आते हैं ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया और कहा कि सभी जगहों से ऐसे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना है। तब इन 1669 में विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया जो कहां पर है बनारस में काफी प्रसिद्ध फेमस मंदिर है भगवान शंकर का बाद में फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो गया। एंड केशव राय टेम्पल एट मथुरा तो मथुरा का केशव राय मंदिर जो भगवान कृष्ण का मंदिर है और ये मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है काफी फेमस है इन दोनों टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया और पता नहीं असंख्य कितने टेम्पल्स इन्होंने तोड़े थे। तो पर ये तीन क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 1665 में कौन सा सोमनाथ 1669 में ऑर्डर इशू कर दिया सारे प्रोविंसेस के लिए गुजरात की बात तो एक अलग हो गई तो सारे मंदिरों को तोड़ा गया जिसमें तीन मंदिर सबसे फेमस थे। देखिए मंदिर तोड़ने की जो पॉलिसी थी ना वो कोई ऐसा लीगल कोई उसका प्रोफार्मा नहीं था कि लीगल रूप में जो है मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। ये तो ऐसा था कि अगर मान लो कोई ऑफिसर है उसे किसी प्रकार से उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा है और उसे अपने आरोप से फ्री होना है तो वो राजा को खुश करने के लिए टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके उन्हें सूचना दे देता था क्लियर। तो वो अपने किसी भी इल्लीगल काम से फ्री हो जाता था है ना राजा खुश हो जाता उससे। तो इस तरह से कोई ऐसा वो नहीं था कि आपको तोड़ना ही है या ऐसा करना ही है तो ये प्रैक्टिस में था बट ये होता था उस समय पर इन 1670। अच्छा यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। इन इट वॉज दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मेनी टेम्पल्स बिल्ट इन ओडिशा ड्यूरिंग द लास्ट 10 to 12 years वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे उड़ीसा वाली बात भी ध्यान रखिएगा उड़ीसा में पिछले 10-12 वर्षों में कई टेम्पल्स बनवाए गए थे इन टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया था किसने डिस्ट्रॉय किया था औरंगजेब के ही लोगों के द्वारा इन मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया गया था क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला इन 1679 ही रीइम्पोज्ड जजिया टैक्स 1679 में इन्होंने जजिया कर को रीइम्पोज करा दिया था पुनः लगा दिया था। अब जजिया सभी लोग जानते हैं नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स होता है ना तो सिर्फ नॉन मुस्लिम ही देते हैं। देखिए ऐसा है कि उस टाइम पर ना ज्यादा टैक्स लगते नहीं थे क्योंकि शरीयत में जो रूल्स जो टैक्स हैं वही लगते थे तो ज्यादा टैक्स तो थे नहीं कुछ ही टैक्स हुआ करते थे। इसलिए भी इन्होंने क्या किया जजिया इम्पोज कर दिया कि अब आपको बाकी टैक्स नहीं देना तो कम से कम जजिया ही लगा दो। अब जजिया लगाने और एक पर्पस ये भी था कि अगर जजिया लगा देंगे तो कुछ हिंदू जो होंगे वो अपना रिलीजन क्या कर लेंगे जजिया के कारण चेंज करके मुस्लिम बन जाएंगे मुस्लिम्स को तो देना नहीं है देना किसको है सिर्फ हिंदूज को देना है। तो इसके 2-3 पर्पस थे जजिया लगाने के क्लियर। नेक्स्ट इन 60 अच्छा ये स्टार्ट किसने किया था जजिया पूछा जाएगा आपने जजिया किसने लगाना स्टार्ट किया था तो जजिया स्टार्ट किया था भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया था तब उसने जजिया लगाया था पहली बार हिंदूज पर एंड कुछ लोगों पर छोड़ के है ना वो बात बता चुका हूँ बार बार। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पहली बार जजिया को एबोलिश किसने किया था आंसर क्या होगा आंसर होगा अकबर ने एबोलिश कर दिया था 1563 के अप्रोक्स पिलग्रिम टैक्स और ये दोनों टैक्स बंद कर दिए थे। इन 1674 ही रीइम्पोज पिलग्रिम टैक्स जिसे कहा जाता था मैसूद तो इन्होंने क्या किया 1674 में पिलग्रिम टैक्स को भी रीइम्पोज कर दिया पुनः लगाना शुरू कर दिया क्लियर। ये पिलग्रिम टैक्स सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था सिकंदर लोधी ने तो सिकंदर लोधी ने ही पिलग्रिम टैक्स क्या किया था स्टार्ट किया था और इस पिलग्रिम टैक्स यानी तीर्थ यात्रा कर को बंद को पुनः क्या किया है रीइम्पोज क्योंकि अकबर ने बंद करा दिया इसे शुरू कराया डबल से किसने औरंगजेब ने क्लियर। तो यहाँ पे इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि हिंदू मुस्लिम के साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेशन या हिंदुओं के साथ किस तरह भेदभाव किया जा रहा था या अदर रिलीजियस लोगों के साथ। अब आगे और डिस्कस करते हैं एक और जो घटना इनके टाइम पे हुई है इनके समय पर जो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है जो काफी नेगेटिव या काफी विभत्स घटना थी वो ये थी इन 1675 द 9th सिख गुरु तेग बहादुर वॉज सेंटेंस टू डेथ।
1675 में ही जो नौवे सिख गुरु थे तेग बहादुर साहब, उनकी भी इन्होंने क्या की है, हत्या करवाई है, उन्हें भी मृत्युदंड दिया है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था शाहजहां को, और उनके पहले हमने डिस्कस किया था जहांगीर को। जहांगीर के टाइम पे हमने देखा था कि जो फिफ्थ सिख गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव, उन्हें मृत्युदंड दिया गया था ड्यू टू हिज ब्लेसिंग ऑफ राइवल प्रिंस खुसरो। क्लियर। उसी तरह जो सिक्स्थ सिख गुरु थे, सिक्स्थ जो सिख गुरु थे गुरु हर गोविंद, उनके शाहजहां के टाइम पर कई सारे युद्ध हुए थे, और फिर उन्होंने शरण ली थी कश्मीर में और कीर्तिपुर नामक सिटी स्टेब्लिश की थी। क्लियर। तो यहां पे ना इस तरह के युद्ध वगैरह हुए थे, सिखों और मुगलों के साथ दुश्मनी थी। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम थी, इन 1675 में क्या प्रॉब्लम हो गई थी अगर हम इनकी बात करें। देखिए यहां पे सिखों के द्वारा कुछ ऐसे टाइटल्स लिए जाने लगे थे, जैसे पादशाह की उपाधि ली जाना, है ना, जो एक सोवर्न या एक रूलर के द्वारा ली जाती है, इस तरह के टाइटल्स। सिखों का के जो गुरु थे उन्हें राजाओं की वेशभूषा, वस्त्र, शस्त्र वगैरह धारण करना, इस तरह की एक्टिविटी भी हुई। दूसरी बात ये थी कि ये जो गुरु तेग बहादुर साहब थे, ये 9th सिख गुरु थे, और ये सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे पंजाब वाले रीजन में, फिर सिक्किम वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में वाले क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने क्या किया, सिख धर्म का प्रमोशन किया। और इस दौरान कई मुस्लिम धर्म के लोगों ने सिख धर्म भी अडॉप्ट कर लिया। क्लियर। मुस्लिम्स ने सिख धर्म अडॉप्ट कर लिया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब। बट ये खबर पहुंचाई गई औरंगजेब के पास कि एक आप तो जो है मुस्लिम धर्म का इतना एक्सपांस कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक गुरु तेग बहादुर हैं जो जो मुस्लिम से उन्हें सिख बना रहे हैं। देन ऑर्डर इशू किया गया और गुरु तेग बहादुर को पेश किया गया मुगल दरबार में। तो गुरु तेग बहादुर को लाया गया दिल्ली के मुगल दरबार में और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया दीवाने खास में। दीवाने खास में जब इन्हें पूछा गया, जब इन्हें लाया गया, तो इनसे इनके ऊपर ये जो आरोप थे ये आरोप लगाए गए, है ना। तो इनसे पूछा गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जब इनसे ये पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से गला पकड़ के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपनाइए, मैं तो हमारे जो गॉड है, हमारे जो ईश्वर हैं, है ना, उनके जो सिद्धांत हैं उन्हें ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर। इस तरह का आर्ग्यूमेंट उन्होंने औरंगजेब के सामने किया। देन औरंगजेब ने उनसे कहा कि अच्छा, तो मतलब आपको मुस्लिम रिलीजन से, मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम धर्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम धर्म अच्छा धर्म है, अच्छी बातें लिखी है मुस्लिम धर्म में। तो उन्होंने कहा औरंगजेब ने कि आप कुरान के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार हैं। देन ही रिप्लाइड दैट कुरान एक धार्मिक बुक है और अल्लाह के द्वारा बताई गई बुक है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो मेरे लिए गलत है, तो मैं कुरान के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। देन इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप सिर झुकाइए। बट इन्होंने क्या किया कि एक स्टूल, एक बेंच के ऊपर कुरान रखी और कुरान के पीछे इन्होंने अपना जो तख्ते ताउस था वो लगवाया। तो तख्ते ताउस और उसके सामने कुरान, और उनसे कहा कि अब आप इसके सामने सर झुकाइए। तो जब उन्होंने देखा कि पीछे तो राजा बैठा हुआ, बादशाह बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम इस कुरान के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, बट पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इन्हें यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुका सकते, हम सिर झुकाएंगे कुरान के सामने जो भगवान या ईश्वर की ही के क्या है ग्रंथ है, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज या गलत चीज नहीं लिखी हुई है। देन औरंगजेब ने ये कहा कि बादशाह भी ईश्वर का ही रूप है, बादशाह भी भगवान का ही एक अंश होता है, और आपने हमारी हमारी डिसरेस्पेक्ट की है, अपमान किया है, तो आपको इस बात का दंड दिया जाएगा, और दंड ये होगा कि आपका सिर कलम किया जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इन्हें मृत्युदंड दिया गया, सिर कलम करने का इन्हें आदेश दिया गया, और दिल्ली के चांदनी चौक वाले इलाके में इनका सिर कलम किया गया, इनको इनकी हत्या की गई। जिस स्थान पर इनका इनकी इनकी हत्या की गई, इनका सिर कलम किया गया, उस स्थान को आज शीशगंज के नाम से जाना जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है, शीशगंज। क्लियर। तो ये जो घटना घटी, इस घटना ने सिख धर्म के लोगों के प्रति एक काफी आक्रोश भर दिया था, काफी गुस्सा भर दिया था, किसके अगेंस्ट में, मुगल्स के अगेंस्ट में, है ना। अभी इनको पता तो था नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे सिखों के जब विद्रोह हुए काफी
भीषण जब युद्ध हुए तो मुगल जो थे वो धीरे धीरे इनका पतन पूरी तरह से हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं औरंगजेब के द्वारा की गई, जैसे दारा सिको की हत्या किया जाना और संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे उन्हें मारना, जिससे मराठा इनसे काफी नाराज हो गए, है ना, और मराठा मुगलों के एकदम कड़े दुश्मन बन गए। इस तरह की कई एक्टिविटीज थी जो औरंगजेब के द्वारा परफॉर्म की गई थी, जिससे मुगलों का पतन कन्फर्म हो गया था कि मुगलों का पतन अब हो ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ मुद्दों की हम बात करते हैं।